डिस्क्लेमर। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी ऐसा मामला हो जो नमाजियों से जुड़ा हो तो मुस्लिम वर्ग उसके सपोर्ट में कोई ना कोई बहाना बनाकर खड़ा हो ही जाता है। फिर वो नमाजी कोई जिहादी हो या आतंकवादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ओछी मानसिकता लिए हुए अरबों की गुलामी करने वाले बहुत से अरबी गुलाम हमेशा से अपने लोगों को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए हैं। ये लोग हर तरह के पैतरे अपनाते हैं जिससे इन लोगों को मासूम साबित किया जा सके। इन अरबी गुलामों का हमेशा से दोहरा मापदंड रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कई बार इस पर सवाल उठाए, इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी शोएब को काफिर कहते हैं। इसके चलते शोएब पर कई बार हमला भी किया जा चुका है। नाजिया इलाही भी एक मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम समाज में फैली गंदगी को उजागर करने का काम करती हैं। इसीलिए नाजिया जी भी इन लोगों की नजर में एक काफिर हैं। आजकल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरे भारत में अलग तरह का माहौल बन रहा है, जिसको लेकर शोएब चौधरी ने नाजिया इलाही के साथ कई बार अपने रिएक्शन दिए। शोएब ने एक लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर डाला है जिसका टाइटल है लॉरेंस बिश्नोई इज बैक, नाजिया इलाही वेज नदीम खान विद शोएब चौधरी। आज हम इसी वीडियो का रिव्यू करेंगे। शोएब चौधरी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये नाजिया इलाही, ये आता क्या है सरनेम मुझे पता नहीं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाली ये महिला, मुझे ऐसा लगता है ना ये मुस्लिम है ना ये हिंदू है, ये एक नास्तिक औरत है। हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके, उनको जन्नत मिल गई इंशाल्लाह ताला। लॉरेंस तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरते आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया लौंडियाबाजी करते वक्त, तो हो गया ना हिंदू मुसलमान। ऐसी खबर क्यों नहीं आती कि जी नाजिया इलाही खान ने सलमान खान के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया? मीडिया पे तो बैठ के बात करती हैं, खुद वकील है तो केस फाइल कर दें। इस मामले में सलमान खान पर फोकस ना करके ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं लॉरेन बिश्नोई के केस को पढ़ूं, जिस तरीके से 9 केसेस में उसको बाइज्जत बरी किया गया है और भी बाकी के केसेस में हम सब मिल करके लॉरेन बिश्नोई को बाइज्जत बरी करवाएं, जो वाकई में कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा हैं, जो जानते हैं कि आखिर अर्जुन को क्यों शस्त्र उठाना पड़ा था, तो वो हिंदू तो सलमान खान को जेल की सलाखों में देखना ही चाहता है। आज जैसे पाकिस्तान से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान पुरुषों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान मौलवी मुल्लाओं से अल्लाह नाराज हो गया है, अब वैसे ही सलमान खान से भी अल्लाह नाराज हो गया है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के केस में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स होती है, वो हम ना सिर्फ आप तक लेकर आते हैं बल्कि उसके ऊपर हम मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन भी लेते हैं। नाजिया जी से 2-3-4 प्रोग्राम किए लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हमने डिस्कस किया, इवन दूसरी साइड की ओपिनियन भी रिसेंटली हमने आप तक पहुंचाई कि जो नदीम खान की जो ओपिनियन है या जो दूसरे लोग जो भी सोच रखते हैं वो आप तक पहुंचाई। मेरा काम था सवाल करना। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जा पहुंची है और वहां पे जाके क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की है या क्या इस केस में नई डेवलपमेंट हुई है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। क्या सलमान खान जल्द ही जेल जाते नजर आ रहे हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नाजिया इलाही खान जी से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोलिए, मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई।
बड़ी लग रही जबरदस्त। है, आज फ्रेश भी लग रही है। और मैं देखने वालों को बता दूं, ये जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है आप तक जब पहुंचेगी वो तो शायद सुबह 11-12 बजे ऑलमोस्ट का टाइम होगा, लेकिन अभी 2 बजे, रात के 2 बज रहे हैं। मेरी फेस पे फ्रेशनेस हो ना हो, लेकिन सामने वाले के फेस पे बिल्कुल फ्रेशनेस है। और इतनी एक्टिवनेस या इतनी फ्रेशनेस कहाँ से आती है, ये समझ से बाहर है। नादिया जी, टॉपिक पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगी? लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में। लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली अदालत में, और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक जा पहुंची है। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो फ्रेशनेस के बारे में बताऊंगी कि योग करने से एक्टिव भी रहता है इंसान और बहुत एनर्जेटिक भी रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री को जब जब हम देखते हैं ना, और इस उम्र में जिस हिसाब से वो एक्टिवली काम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, तो हमें उनको देख करके ऐसा एहसास होता है कि हम भी उनकी तरह उनके नेतृत्व में उनकी एनर्जी को फॉलो करते हुए हम भी काम कर लेते हैं। तो रात का 2 बजे या सुबह का 4 बजे नाजिया एक्टिव दिखाई देती है। जब अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति भवन जाया जा सकता है, जब याकूब मेमन के लिए को बचाने के लिए सारे कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब अजमल कसब की हिमायत करने के लिए कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब जाकिर नालायक जाहिल नालायक से गले लग लग करके और हगिंग और पप्पी किसी कर सकता है दिग्विजय कांग्रेस का गद्दावर नेता, दाऊद इब्राहिम के गोद में अदाकाराएं बैठ सकती हैं और दाऊद इब्राहिम के लिए कमर लचका सकता है सारा सारा बॉलीवुड का हीरो, तो फिर लॉरेन बिश्नोई के मामले को लेकर के उनके परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि लॉरेन बिश्नोई के मामले को लेकर के कुछ लोग इतना बड़ा प्रोपगंडा बना रहे हैं मानो जैसे उसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ करवाया हो। क्या दाऊद इब्राहिम का 93 वाला बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग भूल जाएंगे? 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तो जब तक मतलब हिंदू मर रहे थे तब तक छाती नहीं पीटी जा रही थी। आज सलमान खान, क्योंकि वो सलमान खान है और उसको उसकी जान पर आई है, तो सब कोई छाती पीट रहा है। मतलब के बांग्लादेश में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, सलमान खान को कुछ होगा तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, याकूब मेमन को फांसी लगेगी तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, अजमल कसब को फांसी लगेगी तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन मरेगा तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, लेकिन हिंदू मरेगा तब मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों को नंगा करके गैंगरेप किया जा रहा था, हिंदुओं की बहू बेटियों बेटियों के ग्रेवान में हाथ डाल करके उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की देवी देवताओं की प्रतिमा को चूर चूर किया जा रहा था, मर्दों को पुरुषों को पकड़ पकड़ करके काट काट करके मारा जा रहा था, एक एक साथ दो दो हजार पुरुषों को, बांग्लादेश के हिंदू पुरुषों को जलाया जा रहा था, तब तो मुसलमान बड़ा फातिया पढ़ रहे थे। तब लेकिन इसमें तो ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौम الدين इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। तब तो पढ़ा जा रहा था। जब हिंदू मरता है तो मिठाइयां बांटती हैं, और एक सलमान खान जो जो मूर्ति पूजा करता है, एक सलमान खान जो गणेश गणेश विसर्जन करता है, आज इसके लिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे वो भी तो बुत परस्त है, मरने दो सलमान इधर खान, जाता क्या है? इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स, मैंने इस दफा ऐसा किया कि जो जो कमेंट, डेफिनेटली हजारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा मैं वो चीज उठाता हूँ जिसे हम कोई सीख सकें या जिसे अपने आप को बेहतर कर सकें। तो मैंने 2-4-5 कमेंट आपके लिए रखे हैं। एक बंदे ने ये बोला है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ जैसे वो उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई नाजी इलाही को कोई भी टॉपिक दे दे, ये हिंदू मुस्लिम बीच में ले आती है। मतलब अब लॉरेंस, मेरा भी ये चले सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी ये, मतलब मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा गया, किसी भी मुसलमान को कुछ नहीं कहा गया, उसका उसका इशू सलमान खान के साथ है।
अब सलमान खान के केस में भी देखा जाए तो सलमान खान ने जो अगर डिसरिस्पेक्ट की है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका मतलब वो काली हिरन का मामला है। क्या आपको लगता है कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम लाकर आपको नहीं लगता कि मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देंगे? सबसे पहली बात है कि बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरते आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया लौंडियाबाजी करते वक्त, तो हो गया ना हिंदू मुसलमान, मतलब काट के खा लोगे, काट के खा लोगे भगवान को, और बेटी मिलेगी तो उसको उसका कपड़ा फाड़ करके लूट लोगे, औरत मिलेगी तो काट करके फ्रिज में रख दोगे, हिंदुओं की मूर्ति प्रतिमा मिलेगी तो तोड़ दोगे, हिंदुओं की का मंदिर मिलेगा तो तोड़ दोगे, हिंदू अगर अपना अपना शोभा यात्रा करेंगे तो गोली मार दोगे, अगर कोई नुपुर शर्मा कुरान की कोई बात बताएगी तो जाकर कन्हैया का गला रेत दोगे। ये क्या बात है भाई, ये कब तक भारत के हिंदू बर्दाश्त करते रहेंगे? क्यों खाया सलमान खान ने काले हिरन को, क्यों उसने शराब के साथ काट करके खा लिया? ये तो सबसे पहला सवाल है ना। अब आती है बात कि हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा, तब हमको बताना पड़ता है कि मुसलमानों के घर में आतंकी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में बलात्कारी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में पत्थरबाज पैदा होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में गाली गलौज गंदी गंदी देने वाला मर्द पैदा होना कोई शॉकिंग बात, कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, तो जो फैक्ट है सुनने में बुरा क्यों लगता है, करने में तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है, जब इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप करते हैं तब तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब नाजिया बोलती है कि इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप किया तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है, जब नासिर खान गाड़ी के अंदर ले करके क्रिश्चियन लड़की का रेप करता है अपने छोटे भाई के साथ करते वक्त तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब नाजिया ने बोल दिया कि नासिर खान बलात्कारी है तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है, तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि मुसलमान को हर वो क्राइम, हर वो अश्लीलता का नंगा नाच, हर वो बदतमीजी, हर वो बेहूदगी, हर वो आवारगी, हर वो बच्चलनी करने में अच्छा लगता है पर सुनने में बुरा क्यों लगता है? भाई करने में बुरा लगना चाहिए ना, बिल्कुल करने ऐसा में बुरा लगना बुरा चाहिए लगना ना। चाहिए, मतलब ऐसा मैं कोई काम ही ना करूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा सके। मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, किसी के ऊपर मैं बात ही नहीं करता, और अगर मेरी कोई एक्टिविटी, मेरी कोई ऐसा, मेरा कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज सामने आती है, तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे और फिर मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि इस केस को, मतलब जाहरी बात है अपनी टीम के थ्रू या आगे जैसे भी है मैनेजमेंट के थ्रू, इस केस को आप आगे सीरियस लेके चलेंगे? क्योंकि ये जितना ज्यादा वायरल होता नजर आ रहा है, जितना ज्यादा इसके ऊपर बात लोग करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगी? ये हैरत वाली बात होगी कि कुछ ही दिनों में खबर सामने आए कि सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। जाना ही चाहिए उसको, तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, जब उसने अपनी बहुत महंगी गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से गरीब हिंदुओं को कुचला था तो उसको तो उसी वक्त सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। भारत के अभी भी वो हिंदू हैं भारत में जिनका खून सफेद नहीं हुआ है, जो मजार में जाकर के चादर नहीं चढ़ाते हैं, जो वाकई में कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा हैं, जो जानते हैं कि आखिर अर्जुन अर्जुन को क्यों शस्त्र उठाना पड़ा था, तो वो हिंदू तो सलमान खान को जेल जेल की सलाखों में देखना ही चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बताया था कि शस्त्र और अस्त्र दोनों चीजों को समझना पड़ता है और मानवता उसी के साथ किया जाता है जो मानवता करने के काबिल हो, लेकिन जब कोई आपके शासन को और कोई आपको खत्म करने की कोशिश करे तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। हालांकि अर्जुन
कभी भी शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, वो मानवता पर ही भरोसा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर वक्त पड़े और अपने शासन को, अपनी धरती को और अपने वजूद को, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने अपने योद्धाओं को अगर बचाना पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। और आज एक अर्जुन की जरूरत भारत को है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू बेटियों की बोटियां कट रही हैं, जिस हिसाब से हिंदू बेटियों को लूटा जा रहा है, जिस हिसाब से लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस हिसाब से राम गोपाल मिश्रा ने भगवा झंडा लहराया तो उसके उसके सीने में 35 गोलियां दागी जा रही हैं, जिस हिसाब से कन्हैया का गला रेता जा रहा है, जिस हिसाब से कमलेश को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिस हिसाब से मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जिस हिसाब से सनातन धर्म को मलाइन और डिफेम किया जा रहा है, एक अर्जुन की जरूरत तो है इस देश को। ठीक है, अगर सारे 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 अस्त्र ही लेंगे, सारे शस्त्र ही लेंगे, तो अलग अलग कौन होगा? कोई है जो सुप्रीम कोर्ट में जाए और कोई है जो लॉरेन बिश्नोई बन जाए? तो अस्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है, और दोनों लेकर के अब उनको खत्म किया जाएगा जो भारत में सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट से याद आया, नादिया जी आप खुद वकील हैं, मतलब डेफिनेटली मैं आपको बहुत देर से जानता हूँ, और अब तो पूरा भारत, क्या मैं समझता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, जहां पे भी हमारा प्रोग्राम या फिर इसके अलावा आप जहां जहां पे प्रोग्राम करती हैं, 4-5 लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आप बैठती हैं, सबको पता है वकील है, तो आप खुद इन लोगों के अगेंस्ट क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई भी केस फाइल करती? क्या कहना चाहेंगे सलमान, ऐसी खबर क्यों नहीं आती कि जी नादिया इलाही खान ने सलमान खान के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया? मीडिया पे तो बैठ के बात करती हैं, खुद वकील है तो केस फाइल कर दें। किस पर? सलमान खान पर? हाँ देखिए, जी, जब रणवीर सिंह ने न्यूड फोटो शूट करवाया था तो उसको भारत में बैन मैंने ही करवाया था उस मैगजीन को, क्योंकि बच्चों का दिमाग खराब होता न्यूड फोटो शूट, फिर वो भी करने लगते। ठीक लाल है, सिंह चड्ढा में तो आमिर खान की मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, ठीक उसमें हमारी आर्मी को डिफेंड किया गया था, तो उसको भी बैन मैंने ही करवाया था कैलकटा हाई कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल करके। अभी इस मामले में सलमान खान पर फोकस ना करके ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं लॉरेन बिश्नोई के केस को पढ़ूं, जिस तरीके से 9 केसेस में उसको बाइज्जत बरी किया गया है, और भी बाकी के केसेस में हम सब मिल करके लॉरेन बिश्नोई को बाइज्जत बरी करवाएं। और मैंने एक स्टेटमेंट ये देखी थी, मैं स्टेटमेंट ये जो जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है वहां के जेलर या पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट है कि लॉरेंस बिश्नोई का जेल में बिहेवियर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है, और शायद, और मैं मेरे ख्याल से जब बिहेवियर बेहतर हो तो सजा में कुछ कमी आती है, कुछ इस चीज के ऊपर भी आप कहना चाहेंगी या आपने ये स्टेटमेंट सुनी हो, पढ़ी हो? अब देखिए ना, लॉरेंट बिश्नोई कोई अफजल गुरु थोड़े ही है, लॉरेंट बिश्नोई कोई अजमल कसब थोड़े ही है, लॉरेंट बिश्नोई कोई ओसामा बिन लादेन थोड़े ही है, लॉरेंट बिश्नोई एक सनातन कट्टर हिंदू है। आज तक कभी किसी मासूम की जान नहीं ली है उसने, आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है उसने, और अगर उसके अच्छे स्वभाव का वो व्यक्ति है तो उसी को पेश किया है, उसी को सामने में रख करके जेलर ने बताया है। अब मुझे लॉरेंट बिश्नोई के अच्छे स्वभाव पर तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, बल्कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली का वेल एजुकेटेड और खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हुआ वो बच्चा है, वो कोई मामूली अनपढ़ जाहिल नहीं है। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ था जब पश्चिम बंगाल में पार्क स्ट्रीट रेप कांड में नासिर खान को, जो बलात्कार किया था मुसलमान मोहम्मद नासिर खान, जब उसको वेलफेयर ने कहा था, जेल के वेलफेयर ने, कि इसका स्वभाव बहुत अच्छा है और रेमिशन ग्राउंड पे उसको बेल मिला, तो आश्चर्य इस पर होना चाहिए। लॉरेंट बिश्नोई कोई बलात्कार का सजा नहीं खट रहा है, ठीक है, वो बलात्कारी नहीं है, लॉरेंट बिश्नोई एक हिंदू योद्धा है और एक ऐसा व्यक्ति है जो ना जाने कितने युवाओं के दिमाग में ये पैदा करवाया है कि अपने धर्म से, अपने भगवान से बे इंतहा मोहब्बत करो, और जो कोई भी
तुम्हारे भगवान को काट कर खाने की कोशिश करे, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करे, सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करे, तुम हिम्मत करो उसको खत्म कर देने की। ठीक है। और शायद एक मैसेज साथ इस सारे इशू में ये भी जाता है, मुस्लिम्स के लिए या जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक मैसेज ये भी जाता है कि भाई हमें रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम कहें, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारा ये माइंडसेट है कि भाई हर बंदा, दुनिया का हर इंसान मेरे मजहब की रिस्पेक्ट करे। नो डाउट मैं ये चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो उसका मजहब है मुझे भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यानी मैं अगर उसके सामने उसके मजहब को डिसरिस्पेक्ट करूंगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैं पावर में हूं चाहे मैं पावर में ना हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो ज्यादा देर मेरे मजहब की रिस्पेक्ट करे। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है ये होना जरूरी है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के केस में बहुत से मुसलमानों या ओवरऑल बहुत से लोगों को पता चल गया कि भाई ऐसा नहीं है, हमें इज्जत देनी पड़ेगी इज्जत लेने के लिए। ये तो एक चीज है। नादिया जी, एक और खबर है इसी केस को लेके कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जो कि जिसे इंडिया की गवर्नमेंट या जो आपके अदारे हैं पुलिस है उसे उसको भी अरेस्ट करने वाली है जल्द ही। देखिए, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। आप खुद लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जी स्टूडेंट है। अगर पुलिस किसी इंक्वायरी के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भी अरेस्ट करती है, उसको कॉपरेट करना चाहिए, करना चाहिए। हर हाल में कॉपरेट करना चाहिए। चाहे वो लॉरेन बिश्नोई का भाई हो, चाहे वो खुद लॉरेन बिश्नोई हो, या कल को राहुल गांधी हो, या कल को सलमान खान हो, किसी को लगातार भी अगर पुलिस किसी भी जांच पड़ताल के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, तो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देश के नागरिक के होने के नाते आपको पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए। तो मैं इस पर क्यों टिप्पणी करूंगी, ये तो पुलिस का काम है। और उसके भाई अनमोल को अगर पुलिस लेकर जाना चाहती है फॉर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तो उसको पूरा कॉपरेट करना चाहिए। और लास्ट प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई का जो इनकाउंटर करेगा पुलिस वाला उसे कुछ करोड़, मतलब 1 करोड़ 11 लाख 11 इस तरीके से पैसे दिए जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि एक फॉर्मर लीडर है राकेश टिकैत, जिन्होंने सलमान खान को वार्न कर दिया कि वो अब लॉरेंस बिश्नोई से फौरन माफी मांगे, अदरवाइज जो भी होगा उसका जिम्मेदार सलमान खान खुद होगा। आपको लगता है जितना प्रेशर सलमान खान पे आ रहा है कि जल्द ही ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी सलमान खान की तरफ से कि भाई मैं माफी मांगता हूं, या फिर कुछ ऐसा उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ सकती है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि सलमान खान इतना बड़ा लुच्चा और इतना बड़ा बदतमीज मर्द है कि वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा वो। ठीक है, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि अगर वाकई में सलमान खान को एहसास होता कि उसने किसी के भगवान को काट के खाया है, वो भी दारू में चखना बना करके, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी बिश्नोई समाज के मंदिर में जाता, जा करके माफी मांगता, एक वीडियो बनाता और रिटर्न चला आता, बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन क्या अब तक वो किया है ये? नहीं, क्योंकि बहुत ही निहायत ही अहंकारी और एक नंबर का लुच्चा मर्द बुढ़ा है वो सलमान खान। आज तक उसने जिस जिस लड़की के साथ अपने शारीरिक संबंध रखे, सब बर्बाद हुई है, सबकी जिंदगी उसने तबाह बर्बाद किया है। ना जाने कितने एक्टर की जिंदगी उसने तबाह बर्बाद किया है। और आज जैसे पाकिस्तान से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान पुरुषों से अल्लाह नाराज हो गया है, जैसे भारत के मुसलमान मौलवी मुल्लाओं से अल्लाह नाराज हो गया है, अब वैसे ही सलमान खान से भी अल्लाह नाराज हो गया है। शोएब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी इजराइल जो हमास और फलस्तीन पर जो कहर ढा रहा है और हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना रहा है, तो क्या हमास और फलस्तीन के लोग अल्लाह से दुआ नहीं मांग रहे हैं? मांग रहे होंगे ना, डेफिनेटली तो अल्लाह डेफिनेटली उनकी दुआ क्यों नहीं पूरी कर रहा है? सूरह तौबा में क्या है हमारे अल कुरान में? सूरह तौबा में है कि तुम मुझसे माफी मांगो ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम मुझसे माफी की तलाफी करो, मैं सच्चे तुम्हें दिल माफ करूंगा। तो से। क्या हमास और
तो क्या हमास और फलस्तीन के लोग अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग रहे होंगे? मांग रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसराइल का ना बम रुक रहा है, ना इसराइल का आरडीएक्स रुक रहा है, और ना इसराइल की गोलियां रुक रही हैं। वो तो पूरा धीरे धीरे चटियल मैदान हो रहा है फलस्तीन और हमास। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, फलस्तीन, हमास, ईरान और भारत के मुसलमान पुरुष इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए खत्म हो रहे हैं, इसलिए बेइज्जत हो रहे हैं, इसलिए बेआबरू हो रहे हैं, क्योंकि अब इनसे अल्लाह नाराज हो चुका है। ठीक हो गया। और ये नाज़ी इलाही खान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसे कोई डिसएग्री भी नहीं कर सकता, मतलब चाहे कोई इनके मुखालफत भी करता हो। इन्होंने पता नहीं ये सोच के आ जाएंगी कि ऐसी स्टेटमेंट दूंगी कि कुछ कमेंट करना भी चाहे तो वो सोचे मैं क्या करूं। डेफिनेटली ये हमारे मजहब में है कि जब आप कुछ गलत करोगे, किसी के साथ ज्यादती करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो आपसे अल्लाह नाराज होगा, फिर उसका आपको जो है उसकी सजा भी मिलेगी। और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने पास में तो कुछ गलत नहीं किया। आपने फलस्तीन की बात की, नो डाउट आजकल ईरान में भी बहुत सी परेशानी बनी हुई है, आए दिन इसराइल की तरफ से अटैक होता नजर आ रहा है। नाजिया जी, लास्ट में दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मुझे लास्ट में बता दें, सलमान खान की एक्स गर्ल फ्रेंड जिनका नाम है सोमी अली, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई मैं अगर सलमान खान माफी मांगना चाहता है तो मैं कोई ना कोई बीच में मिडल के तौर पे अपना रोल अदा करूंगी और लॉरेंस बिश्नोई या उनकी फैमिली से राबता करूंगी और मैं माफी की मतलब कोई ना कोई ऐसी एक सिचुएशन बनवा दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चीज एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ सलमान खान से गलती हुई है और माफी मांग लेनी चाहिए उनकी अपनी गर्लफ्रेंड। सबसे पहले तो शोएब, आप जिस सोमी अली की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसी दो पैसे की औरत जो सलमान खान की रखेल हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी तो सलमान खान की लाखों हजारों वो रखेल रखता था, रखता है, और जब तक जिंदा है रखता रहेगा। तो सारी उसकी महबूबा, दिलरुबा, माशूका की टिप्पणियों पर अगर हम जैसे जिम्मेदार लोग जवाब देने लगे, तो अब आप सब बताइए कि उसकी गरिमा बढ़ेगी और मेरी गरिमा तो घट जाएगी। आप सोचिए कि सलमान खान जब जवान था, तब सोमी अली भी जवान थी, दोनों में इश्क मुश्क हुआ। फिर सलमान खान औरत को मारता बहुत ज्यादा है, ये बात ऐश्वर्या राय खुद ही बोल चुकी है, खुद ही बोल चुकी है ऐश्वर्या राय। अब तो बच्चन भी नहीं बची शायद वो। तो सोमी अली इस बुढ़ापे में जो क्लेवेज दिखा करके और नंगे नुच्चे कपड़े पहन करके जो सस्ती लोकप्रियता का बाजार खोली है, उससे सलमान खान बुला करके अपने बिस्तर को गर्म तो करवा सकता है उस बुढ़िया के साथ, क्योंकि ये भी बुढ़ा हो चुका है। लेकिन ऐसा ये सब टीआरपी सलमान खान और उसकी महबूबा और दिलरुबाई ले सकती है, हम लोग इस बारे में ना बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन थी, लेकिन आज नाज़िया इलाही खान मुझे थोड़ा गुस्से में लगी है, पता नहीं क्या वजह है, शायद मैंने रिकॉर्डिंग का टाइम थोड़ा लेट कर दिया इस वजह से गुस्से में थी या किस वजह से गुस्से में थी। बहुत ही सख्त सवाल मतलब मेरे सवाल के बहुत सख्त अंदाज में इन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन देखने वालों से कहूंगा कि आप नाज़िया इलाही खान की किस बात से एग्री और किस बात से डिसएग्री करते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी इस चीज पे जरूर देना चाहूंगा कि नाज़िया इलाही खान या कोई भी अगर इंडिया के इंटरनल मैटर पे बात करता है उनका प्रॉपर हक है कि वो बात कर सके। मैं एज ए पाकिस्तानी किसी इंटरनल मैटर पे बात नहीं करना चाहता, ना ही कर सकता हूं और ना ही करना मेरा राइट है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो इशू है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, एक दफा आप यूट्यूब पे, एक दफा आप गूगल पे सिर्फ सर्च करके देखिएगा लॉरेंस बिश्नोई एंड सलमान खान, आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल, दुनिया के तमाम बड़ी न्यूज एजेंसी इसके ऊपर बात करती नजर आ रही है। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां जहां पे सलमान खान को देखा जाता है, जाना जाता है, और जहां जहां पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की डिस्कशन हमें देखने को जरूर मिलती है। इसलिए मेरी भी एक कोशिश रहती है कि भाई जिसके जो भी करंट इशू हो उसके ऊपर नाज़िया इलाही या जो भी अपनी ओपिनियन देना चाहे उनसे हम ओपिनियन रिकॉर्ड करें। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह। इस वीडियो में नाज़िया जी ने अपने चित परिचित अंदाज में वर्तमान में बन रही परिस्थितियों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जो सवाल उठाए हैं उसको किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में रहने वाले अरबों के ज़हनी गुलाम
हर बार सबसे पहले उंगली करने का काम करते हैं और जब उस पर रिएक्शन होता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। ये गुलाम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, पर अपने आप को कभी गलत नहीं कहेंगे। इन लोगों की इसी मानसिकता को उजागर करने का काम ये वीडियो कर रही है। इस वीडियो को देखकर आपका रिएक्शन क्या है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।